लुधियाना तो एक शरेआम गुंडागर्दी वाला मामला सामने आया जब एक रेहड़ी दे कोल खड़े एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की गर्दन दे उते तेजधार हथियार दे नाल हमला किया। जी हाँ, लुधियाना तो ये वीडियो तुसी देख रहे हो, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिस दे विच तुसी देख सकते हो कि एक नौजवान लड़का है ते उस दे नाल एक होर नौजवान लड़का खड़ा है जो पहला दूजे लड़के नूं गर्दन तो फड़दा, उस तो बाद उस दे उते तेजधार हथियार दे नाल हमला करदा। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया ते काफी ज्यादा वायरल हो गई है जो अपने नाल काफी ज्यादा सवालिया चिन्ह भी खड़े कर रही है कि आखिर लुधियाना दे विच लगातार एहो जिहे गुंडागर्दी दे माहौल क्यों देखण नूं मिल रहे ने, कि लुधियाना दे विच प्रशासन इन्ना ढिल्ला पै गया कि जो आम लोग हैं गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उन्होंने प्रशासन का डर ही नहीं रहा। सीसीटीवी फुटेज तुसी साफ तौर पे देख रहे हो जिस दे विच हमला किया जा रहा है, दूजे व्यक्ति दे उते तेजधार हथियार दे नाल हमला किया गया है। दस दिए कि इस दे नाल ये भी सामने आया कि जिस व्यक्ति दे उते हमला किया गया उस व्यक्ति की गर्दन दे उते भी टांगे लगे हैं। हुण इत्थों अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके दे नाल ये हमला किया गया है, जो व्यक्ति की गर्दन ते भी टांगे लगे हैं, पर सवालिया चिंता प्रशासन ते खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासन कित्थे सी जदों ये हमला किया गया, उदों आस पास दे विच की कोई पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं सी, क्यों इस व्यक्ति नूं लैके हले सिर्फ और सिर्फ वीडियो सामने आई है, क्यों इस व्यक्ति दे उत्ते कोई मामला हले तक नहीं दर्ज किया गया, क्योंकि हले तक सोशल मीडिया से या फिर कोई भी यहोजे सूत्रों तो जानकारी नहीं मिली है जिस तो कहा जा सके कि व्यक्ति से मामला दर्ज किया गया या फिर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, पर शरेआम हो रही है गुंडागर्दी अपने नाल काफी ज्यादा सवालिया चिन्ह खड़े कर रही है। वीडियो तुसी लगातार देख रहे हो जी, वीडियो नु देखण तो बाद तुसी इह जे लोकां दे लई अपने कमेंट की देना चाहते हो ते प्रशासन तो की मांग करदे हो ते किन्नी कु उम्मीदां ने तुहानू प्रशासन तो अपने वल्लों इस विषय ते अपने कमेंट जरूर देना। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 20 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਨਸ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਲੇ ਦਾ ਜੀ।